90 का दशक, कर्ज में दबा भारत, परेशान बेरोजगार युवा, इस माहौल में कोई चीज थी जो भारतीयों के चेहरों पर मुस्कान लाती थी तो वो थी सचिन की बैटिंग। भारतीयों के सपने जैसे उनके बल्ले के आसपास बुनने लगते थे। सचिन आया, टीवी स्टार्ट, सचिन आउट, टीवी बंद, हर घर में सचिन, गली क्रिकेट में सचिन, हर तरफ सचिन, हर कोई सचिन बनना चाहता था। ऐसे में 90s किड्स के बचपन को खूबसूरत बनाने वाले सचिन का बर्थडे कैसे भूला जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सचिन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो भारत अच्छी नींद लेता है, यानी कि जब जब सचिन तेंदुलकर ने रन बनाए टीम इंडिया मैच जीती। यही कारण रहा कि सचिन तेंदुलकर के नाम आज भी कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें कोई भी बल्लेबाज उनके रिटायरमेंट के 11 साल बाद तक नहीं तोड़ सका। हालांकि सचिन का करियर जितना शानदार नजर आता है, उस करियर को बनने में उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। आज यानी 24 अप्रैल 2024 को सचिन तेंदुलकर का 91वां जन्मदिन है। आज के मौके पर जानेंगे सचिन के उस दौर को भी जब उनका करियर खत्म होने के कगार पर था। सचिन तेंदुलकर और इंजरी का काफी पुराना रिश्ता रहा है। सचिन तेंदुलकर को एक बार ऐसी इंजरी हुई थी, उनका करियर ही दांव पर लग गया था। साल 2004 से 2006 के दौरान सचिन तेंदुलकर अपने सबसे मुश्किल दौर से तब गुजरे थे जब टेनिस एल्बो इंजरी ने उनके करियर को लगभग खत्म कर दिया था। इस इंजरी के कारण सचिन अपने बल्ले तक को सही से नहीं पकड़ पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने इस दौरान 18 टेस्ट मैचों में 41 और 24 वनडे मैचों में सिर्फ 35 की औसत से बल्लेबाजी की। सचिन को उनके करियर के दौरान हुई इंजरी, लेकिन इस इंजरी के कारण उन्हें कोहनी की टेंडन की सूजन ने उनके प्रदर्शन पर काफ़ी बुरा असर डाला था। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो फैंस उसे भगवान बना देते हैं, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस बिगड़ी तो न जाने अपने गुस्से में क्रिकेटर्स को क्या कुछ नहीं कह देते। सचिन तेंदुलकर के इस दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सचिन तेंदुलकर के लिए इस इंजरी के बाद फैंस ने तो उन्हें एंड्यूलकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी कि उनका करियर अब एंड हो गया। वही तेंदुलकर का मानना है कि टेनिस एल्बी की चोट के समय वह दुर्भाग्यशाली थे। उन्होंने कहा था कि अगर ये सीजन के अंत में शुरू होता और उनके पास ठीक होने के लिए 4 महीने का ब्रेक होता तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको कोई इंजरी भी हुई है। लेकिन इस इंजरी के बाद दुनिया को एक और नया सचिन तेंदुलकर मिला, जिसने कमबैक करते हुए अगले 6 सालों तक नए जोश के साथ खेला। सचिन हर उस मुकाम को हासिल कर लिए जिसने उन्हें क्रिकेट का भगवान बनाया। सचिन के इस कमबैक को क्रिकेट इतिहास का सबसे महान कमबैक भी कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर ने इसके बाद कई महान रिकॉर्ड बनाए, फिर चाहे वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक हो, वनडे वर्ल्ड कप जीतना हो या फिर 100 इंटरनेशनल शतक जड़ना हो। आइए जानते हैं उन 4 महारिकॉर्ड्स के बारे में जिन्हें कोई भी बल्लेबाज उनके रिटायरमेंट के 11 साल बाद तक नहीं तोड़ पाया। सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड। पहला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाए सबसे ज्यादा स्कोर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 264 बार 50 रनों का आंकड़ा पार किया, जिसमें 100 शतक और 164 अर्धशतक शामिल रहे। दूसरा, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले बल्लेबाज। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले बल्लेबाज हैं। सचिन ने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। मौजूदा वक्त में टेस्ट क्रिकेट इतना ज्यादा नहीं खेला जाता है, ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी 100 टेस्ट भी खेलता है तो ये आजकल बहुत बड़ी बात है और साथ ही इसे बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज। सचिन ने 664 मैच की 782 पारियों में 4076 चौके लगाए। चौथा, बनाए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन। सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय करियर में 34,357 रन बनाए हैं। वे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सचिन का ये रिकॉर्ड टूट पाना लगभग नामुमकिन है। फिलहाल अगर बात करें तो विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 25,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। अगर आपको सचिन तेंदुलकर से जुड़े किसी और रिकॉर्ड के बारे में पता है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।